तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय बोले जय शंकर। तो अभी रोहतांग पास फतेह करके हम पहुंच चुके हैं सिस्सू में। और भाई ये जो गांव है ना बहुत ही छोटा है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना देखने के लिए, एक वाटरफॉल है और यहाँ पर लेक भी है, बोटिंग कर सकते हो। तो आज अपन सोच रहे हैं कि भाई इधर में ही रहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमने देखा है तुम्हारे साथ मुंबई वाले सर हैं, उन्होंने नहीं देखा। तो हम नहीं चाहते कि यार वो ऐसे निकल जाए, उनको यहाँ पर घुमाते हैं। और आज बहुत कुछ है चीज़ें करने के लिए। तो पहले आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने कैंपिंग कर रखी थी। आप भी अगर इधर में आते हो तो कैंपिंग कर सकते हो, होटल ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। देखो इधर में ये पूरा एक जंगल टाइप है। ये आपको जो मेन रोड है ना उससे दिख जाएगा, इतने बड़े बड़े पेड़ और बहुत, मतलब एक ग्रुप भी मिलेगा ये पेड़ों का। और इधर में हमारा टेंट था, उधर में सर का था, और पूरा इधर में अपना ये ताम झाम सारा। देखो अब इसको पैकिंग कर रहे हैं ताकि इनको लोड करके अपना घूमने जा सके। और अभी तैयारी चल रही है रात को। भाई ये जो शिकारी है ना, देखो एक ये तो सही है, ये भी ठीक है, पर रात को जो इन्होंने दुखी किया ना, देखो ये दो तो ठीक है, ये तीसरा ठीक है, पर वो जो छोटे वाला है ना भाई, जो गुर्राता है ना रात में, अगर इसको ऐसे डंडी से भगाने निकलो ना तो गुर्राएगा। देखो ये जो हिला रहा है, क्या हो गया, ये अच्छी है। हेलो, ओ भाई, ओ भाई, उसको कुछ नहीं करने का, रे ऐसे ही लगे पड़े भाई। ये तो अभी तो 5 हो गए, रात को 10-11 आ रखे थे। क्या हो गया तेरे को, चिक 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 चिक। ये भी कुतिया है, ये भी कुतिया है, ये अच्छी भाई। इसका जो लुक है ना, जैसे होता है ना ब्लैक टाइगर, अरे टाइगर है क्या, तो ब्लैक बिल्ला, अरे वही है यार। तो क्या है, दे हेलो, ओके ठीक है भाई। अभी इनको पैक वैक करके फिर देखने जाएंगे वाटरफॉल और घूमेंगे और रात को करेंगे मजा। तो निकल चुके अपनी साइकिल वगैरह खड़ी करके, और यहाँ पर ना एक राजस्थान का भाई मिल गया हमें, तो उसके होटल के पास में मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी। और रात में चार्जिंग वहीं पे हो गया, और एक पानी का बोतल ले लिया और पावर बैंक वगैरह है। और यहाँ पर भाई पहले एक पुल हुआ करता था, वो जो हिमाचल में बारिश की वजह से बाढ़ वगैरह आ गई थी ना, तो उससे वो टूट गया। अब यहाँ पर एक रोपवे बना रखा है, एक जिप लाइन भी है इधर में, जो पैसे लेती है। एक होता है ट्रॉली जिसमें आप फ्री में बैठकर, मतलब अपने आप को खींचना पड़ेगा। देखते हैं पहले इसको ही देख के आते हैं। और जो सामने दिख रहा है ना वाटरफॉल, इससे पहले ना जो पहाड़ी की शेप बनी हुई हार्ट के शेप में, देखो ऐसे 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 राउंड, ऊपर से राउंड, ओ भाई क्या गजब का है। देखो उस झरने को देखने के लिए ना ये जो नदी है इसको पार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुल है भाई वो पूरा तहस नहस उधर में नदी में मिल गया। और यहाँ पे एक ये है ना, एक ट्रॉली में बैठ के इधर अपने आपको खींचो, पहले रस्सी को उधर जाएगा, फिर दूसरा बंदा उधर से खींचेगा, तीसरा बंदा फिर उधर आएगा। वाह, ये मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एक बार हमने किया था लद्दाख में, लेकिन थोड़ा सा ही किया था भाई। ये की बार कितनी बड़ी नदी के बीच में से हमें इसको लेके जाना है। और जब ट्रॉली, मतलब बंदा वहाँ पे पहुँच जाएगा ना, जब ट्रॉली खाली हो जाएगी, फिर ये जो रस्सी दे रखी ना इसको पकड़ कर खींचना पड़ेगा जब ट्रॉली इधर आ जाएगी। भाई हार्ट बीट ना इतनी तेज़ हो रही है कि यार कैसे होगा, क्योंकि हमने कभी नहीं किया यार। तो भाई हमें ना सबसे पहले भेजा जो मुंबई वाले भाव है ना उनको, उनका ट्रॉली बीच में जाके अटक गया भाई। देखो ये अटक गया उनका ट्रॉली, कहाँ गए ये अटक गया। अब एक रस्सी और दे रखी है, जो उनको पूरे खींचेंगे ना तो ट्रॉली आगे बढ़ जाएगा, और पता नहीं क्यों नहीं खींच रहे। खींचो खींचो खींचो, पलटू जाती है भाई। ये वो सर तो यहीं पे अटक गए, हमने बताया था कि अच्छा वीडियो बना रहे यार, ये तो पूरा डरा रहे हैं। हमें बोला था कि जो आगे वाली रस्सी है ना उसको खींचते रहना, आगे निकल जाएगी। अगर एक बार बंदा उधर पहुंच जाए ना तो दूसरा बंदा आएगा, फिर वो उस रस्सी को खींच लेगा जो आगे वाली, फिर आसान हो जाएगा। बोतल पकड़ ले, बोतल निकलेगी ना, देखो निकलेगी बोतल है। इसको धक्का लगाना भाई ताकि ये आधे तक चले जाए। अच्छा ठीक है भाई, पानी की बोतल तू रख ली यार। मैं कैसे, बैग में रख, लीमन है मेरा, ट्राइपॉड भी है, गुड्डा में। तो एसपीटी की बारी है ना भाई, रस्सी खींच रहा तो थोड़े मजे लेते हैं। अभी मैंने इसको पैर के नीचे दबा लिया, वो खींचेगा, देखो खींच रहा ना इतना तो जाएगा जितना आगे तक रस्सी। उसके बाद मैंने इसको टाइट दबा दिया, दे दे टाइट हो गई। वो अटक गया भाई, वो देखो अटक गया, अटक गया, पलट जाएगी एक साइड में, ब्रेक एक साइड जाएगा भाई। अब रुक जाओ, देखते हैं, देखो खींच रहा ना, तो मैंने यहाँ पे दबा के रखा इसको।
टाइट हो गया ये वाला देखो। आगे नहीं जा रही भाई इसकी। तो भाई वो दोनों तो पहुंच गए, अब है अपनी बारी। एक मिनट बोले बाबा बस बता रही। चल भाई एक दो तीन यार मेरे साथ धोखा हो गया। अरे भाई साहब ओ भाई रुक गया, अरे रुक गया, देख लो भाई साहब यहाँ रुक गई है मेरी, बहुत पीछे रुक गई यार। खींच उधर का खींचने यार। अब क्या करना भाई, देखो जो रुक गई ना, अब मेरे को खुद ही खींचना पड़ेगा सारा। ओ भाई साहब वो खींच ले वो भाई साहब, इसको ना फिलहाल ऐसे खींच के लेके जा रहा हूँ मैं भाई। नीचे तो देख, नीचे भाई जो पानी आ रहा देख लो। अब आप ना नदी के बीच में टक्के हो और नीचे देख रहे हो भाई साहब, गलत हो गया, डर लग रहा भाई बहुत तेज रहा। पहुंच गए भाई 20 तक तो था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम से आया ट्रॉली, लेकिन जैसे ये मतलब ऊंचाई आ गई ना भाई, इतना अंगा लग रहा है, देखो हाथ भी काले हो गए। खोलिए भाई घर दरवाजा, दरवाजा खोल दे, खोल दे। जय बोले की। ओ भाई साहब ये बंद कर दे, ये जो एक्सपीरियंस रहा ना भाई खतरनाक एकदम एडवेंचर। अगर हम यहाँ से निकल जाते तो ये चीज़ ना कर पाते भाई, हाथ भर गया, जिसको कहते ना कि मेहनत करने के बाद आपके हाथ दुखने लग जाते, वैसा हो गया पूरा एकदम। चलो अब चलते भाई, देखते वो वाटरफॉल। और ठीक है भाई साहब, ये एक बार आने का तो अब जाने का भी इसी से होगा। ओए छोड़ रहे मत। हाँ अभी ना भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि जो सर है और SPT है, सर को ना भूख लगी है और यहाँ पर कुछ खाने के लेना है और उनको दवाई वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो जा रहे हैं वापस वहाँ पे जिपलाइन के पास में, और मैं जा रहा हूँ अकेला वाटरफॉल देखने के लिए। और वो भी खेती हो रखी ना, तो भाई मैंने एक फूल तोड़ के ना खा लिया, मतलब छोटा सा था और मीठा था, और ये रास्ता बना रखा भाई ऊपर वाटरफॉल जाने के लिए, ज़्यादा नहीं है लेकिन बना रखा है। और इधर में अगर आप सोच रहे हो ना भाई सारी दुकानें बंद है खाने पीने की, तो अपना रोड के किनारे जो भी आपको ढाबे या दुकान दिख जाए कुछ खाने पीने का साथ में रख लेना, अगर आपको वाटरफॉल देखने आना तो। ट्रैक चाहे कोई भी हो, थकावट तो बहुत हो गई है भाई, बस अपना खाने पीने का सामान लेके चलो ट्रैक पे अगर जा रहे हो ना। देखो भाई पूरा मैं चढ़ के आ गया, अभी वाटरफॉल हो रहा है, ऐसे दिखता नज़दीक है, जब आप चढ़ते हो ना पूरी थका देता भाई। इतनी देर चल रही है, अगर हम लद्दाख जा रहे थे ना तो भाई मतलब जो कहते हैं ना जोर का पूरा लगा देते, क्योंकि हमें उस तरफ जाना, हवा भी उसी तरफ से इधर आ रही है। अरे वाह क्या नजारे है भाई, देख इधर में गोभी है, तो इधर में मटर भी लगा है, लेकिन मटर अभी पका नहीं है भाई, फलिया है एकदम पतली पतली। ओए इधर में पानी चल रहा है यार, देख भाई, अरे ये देख इसमें तो है दाने। चलो एक तो तोड़ ही लेते हैं भाई, एक तोड़ा भाई, जिसका भी खेत हो माफ़ कर देना भाई। पहाड़ों में ठंडे का मतलब ठंडी का यही तो मज़ा है, इधर में गोभी मटर और गाजर वगैरह आसानी से हो जाए। ओहो क्या मीठी है यार, बहुत मीठा है, एक और तोड़ लूँगा, कोई है तो नहीं भाई साहब, एक और तोड़ लेते हैं यार, एक नहीं दो एक और तोड़ लेते हैं, माफ़ कर दीजिए दो सॉरी टोटल। तो भाई तीन मटर मतलब एक मैंने खा लिया, दो तोड़ दिया, तो माफ़ कर देना भाई जी, क्योंकि तो भूख लगा था यार। और हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं भाई साहब, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला
सिसु वाटरफॉल देखने के लिए आया। क्या बात यार, बहुत देखो रहा इधर में, देखो दूर तो कोई नहीं दिख रहा, मैं अकेला आया हूँ। अब दिल को तसल्ली हो गई कि हम सिसु में रुके ना, तो ये तो देखना बनता था भाई, चाहे हम दो बार आए, तीन बार आए या पहली बार आए, इसका जो मज़ा आना भाई देखने का, जब ये वो फुहार आती है ना, जब आप इसके पास में जाते हो तो भाई इतनी ठंडी ठंडी फुहार, और इंदर दुरुस बनता अगर धूप निकली होती ना, बाकी अब शायद बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा पता नहीं। और जो इसका भाव है ना भाई खतरनाक है एकदम, देखो ये किधर ही निकाला का पानी, क्योंकि इधर में जो अभी मटर बहें थोड़ी ना, जो खेती बाड़ी हो रुकी है उनके लिए काम आता है पानी। और ये है भाई पूरा, ये देखो यहाँ पर ज़मीन ना गिली हो रुकी है, क्योंकि इस वाटरफॉल का तो फुहार आ रही है ना भाई, इधर तक आ रही है मेरे पास तक। ओ भाई साहब, इसको कहते हैं सुकून। और ओ भाई क्या ठंडी ठंडी देखा, हा हा ओहो एकदम ठंडी ठंडी फुहार, ऊपर से हवा। ओ भाई साहब, और इधर में मैं अकेला, वाह क्या यार, सारी ऊपर वाले की माया भाई। हा हा हा, देख भाई कितनी फुहार आ रही है ना। ओ भाई साहब, ये है भाई सिसु का वॉटरफॉल, अगर आप हाईवे से जा रहे हो इसको देख रहे हो ना, तो भाई आओ यार देखने के लिए, ये एक अलग ही मतलब लेवल कहते ना, जन्नत है यार, इतनी परिस्थिति से पानी ऊपर से नीचे गिरा और जिसकी आवाज़ है, प्लस में इंद्रधनुष बनते रहते हैं, आज नहीं बन रहा भाई, पर जो फुहार आ रही ना अगर थोड़ा और आगे जा सकूँ मैं, लेकिन डर है कि कहीं अगर क्योंकि चिकने हो रखे ना तो बाई चांस पैर वगैरह फिसल जाए ना तो चोट लग जाएगी भाई। तो इधर बैठते थोड़ी देर और मजे लेते हैं भाई, क्या फुहार आ रही है भाई रे, मतलब आज जो चीज़ एडवेंचर की ना भाई, नदी पार किया फिर यहाँ सिसु वाटरफॉल देखने के लिए आ गए, अलग ही लेवल है भाई, मज़ा आ गया। और अभी चलते भाई नीचे, और अभी बहुत सारे काम है भाई, अभी जैसे मैगी बनाएंगे क्योंकि उसमें से कुछ खाया नहीं है ना, और यहाँ पे एक लेक भी है, अगर मन हुआ तो घूमेंगे, क्योंकि भाई लेक यहाँ से देखने में सूखी हुई है यार, पानी वानी कुछ भी नहीं है, और टूरिस्ट नहीं आ रहे तो यहाँ पर दुकान वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं, और अपना रात में करेंगे बोनफायर, और अभी नीचे ताल के ही मिलते हैं भाई। और चढ़ने में और उतरने में, मतलब जैसे चढ़ने में आपको लगता है एक घंटा, उतरने में लगेगा 20 मिनट, इतना ही लगेगा बस, पर उतरना संभल गया। जो ट्रॉली वाला एडवेंचर हम कर रहे थे ना इस नदी के ऊपर से, पहले देखो ये पुल हुआ करता था, अब ये जो हिमाचल में बारिश वगैरह से बाढ़ आई ना, ये देखो बेचारा पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया, ये देखो इसका सेप, पहले पूरा ऐसे कनेक्ट था, इससे जाओ उधर से जाओ और सिसु ये वाटरफॉल देख के आओ, पर अब ये नहीं है, तो ये जो टोलियाँ लगा रखे हैं ना भाई एडवेंचर वाली, जो पहली बार करेगा ना साथ अटक जाएगी, पानी रखना साथ में, क्योंकि गला सूख जाएगा भाई जब टोली रुकती है ना बीच में, गला एकदम सूख जाता है। तो भाई अपन लोग आ चुके हैं टेंट में, और क्योंकि जिस चीज़ का डर होता ना हमें वही हो रखा, क्योंकि बाहर आ रखे बारिश, देखो चप्पल गीली हो गई, इधर में ना बस टेंट वेंट अपना लगा के बस सामान तुरंत भाई, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये भाई ये ठीक है, इस भाई ने तो अपना कट्टा ही डाल रखा है, और मैंने जो अपना बैग था ना पेनिर वाला वो अंदर रख रखा, और जो मौसम हो रखा ना भाई खतरनाक एकदम, बस इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश की आदत कब तेज आ जाए, तो अपना इधर में ही रहेंगे, और बनाना होगा तो कुछ बना लेंगे हम, तो साग सब्जी भी ले आए भाई, बाकी आटा भी रखा, मैगी भी रखी है, तो ये ठीक है भाई। अपना अपन कर रहे हैं भाई कैंपिंग, यार बारिश में ना ट्रैवल करने में मज़ा नहीं आता यार, क्योंकि सामान भीगने का डर रहता है, खुद भीग जाते हैं, ठंड लगती है, या फिर कहीं पर हम स्टे कर खाना एक दिन, तो उस दिन बारिश आ जाना उस दिन मज़ा आता, जैसे आज हम यहाँ पर रुक गए थे घूमने के लिए और बारिश आ गया, आज मज़ा बस कल ना आए। तो अपना बीच जाते हैं, देखते अभी तो टाइम बहुत है रे, हम करने वाले भी आज बोन फायर, और बारिश आ गई ना तो जो लकड़ियाँ गिरी ना जैसे सूखी सूखी तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि फिर भीग जाएगी ना यार लकड़ियाँ, तो जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ कैसे भी मिल जाए, देखिए
जी। प्लास्टिक नहीं जलाने का ना? नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं जलाने का, लकड़ी जलाने का। अरे बहुत मिल जाएगी यार। तू ढूंढ रहा भाई अकेला मैं यार। ये रही ना लकड़ी, जल्दी से उठा भाई बारिश आ रही है। छोटी छोटी उठा ले, जरूर ना बड़ी मिलेगी। देख भाई इतना तो मैंने उठा लिया, वैसे अगर जल्दी उठा लेते उसके बाद इकट्ठा करके उसके बाद टेंट में चलते हैं। तो अभी टाइम हो चुका भाई 7:26 और अभी बारिश रुकी है। देखो अभी भी पानी इस पर पूरा चमका हुआ, देखो एक तो मोती की बूंदों की तरह। और अभी चल रहे भाई अपनी, पहले पानी वानी ले आए हम भर के, और इधर में टमाटर, इधर में प्याज मैंने छील दिया। अभी यहाँ पे चूल्हा बनाया देसी वाला, तो यहाँ पर अभी अपना सब्जी बनाएंगे, आलू ओ आलू नहीं प्याज और टमाटर की चटनी और रोटी, और इधर में अपना मसाला वगैरह। और इधर में भाई देखो रात को जो दुखी करते हैं ना, ये देखो चार ये रहे, और देखो एक वो चमक वो बैठा, दो वो बैठे, और मतलब देख लो अभी ये घुराएंगे रात को, पूरी रात ऐसे घुराते फिरते रहेंगे। और लकड़ी जलाना, और इधर में अपना भाई वाला जो बल्ब है ना चार्जिंग वाला, इधर जुगाड़ो, इधर में जो लकड़ी देना थोड़ी बहुत गिली होगी भाई, कोई बात नहीं यार। सेठ जी हाँ आ जाओ जी, थोड़ा रहेगा यार, थोड़ा रहेगा ना। ओके थोड़ा तो दे दो। ठीक है चलो मैं जलाता हूँ भाई, तेरे से ना होगा, तेरे से सच में ना होगा। अरे ना होगा, मान ले मेरी बात, तू सारी माचिस फूंक देगा, बोन फायर भी हो जाएगा, खाना बन जाएगा अपना इधर में सारा। अब की बार हो गया तुम्हें, छोटी लकड़ी लगा पतले वाली, पतली पतली लकड़ी पतली, देख या छीलिया खाल सी बुझगी ना। अरे मैं कहूँ तो इतना होगा भाई। और भाई बड़ी मशक्कत के बाद देख कितनी हमने तिलिया जला दी माचिस की, एक दो तीन और चार पांच इसमें पड़ेगी, जब जाके आँच बड़ी है। और मुँह से देखो भाई वाप निकलना शुरू हो गया। इधर में बस उसने टमा, ओए भाई बस तीन बोते आ रहे हैं। इधर में अपना पतीला रखा है, इसमें चटनी बन जाएगा, इसका पानी सुखा देते पहले, थोड़ा तेल डाल देंगे, तेल डाल देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अपने पास लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, जीरा भी है, धनिया भी है, मिर्च भी है, नमक भी है, हल्दी भी है। ओहो बेटे ये अपना बोन फायर भी चालू हो गया भाई। तो पतीले में आ गए भाई प्याज टमाटर और जो मसाले वगैरह डालने थे ना सब डाल दिए भाई। मेरे को जहाँ तक लगता ना कि इसमें थोड़ा बहुत पानी तो डालते होंगे, बाकी हमें ये भी नहीं डाला, हाँ ये टमाटर पानी छोड़ दिया। बाकी एक बार चेक करेंगे भाई क्या बनाया, क्योंकि अगर आप टमाटर प्याज का चटनी ऐसा खाते हो ना भाई, कसम से बता रहा हूँ मज़े ले रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें यार बहुत मिस करते हैं हम घर रह के, मैं घर वालों को बोलता रहता हूँ ऐसी चटनी बनाया करो, और हम बाहर आके बना रहे, देखो सारा क्या क्या ताम झाम है। अभी बनाना आसान है, और जब ये ताम झाम सारा समेटे ना भाई, मसाले कहाँ रखने, पानी कहाँ, गिलास, और फिर इनको धोना, वाह। और टाइम दिखाता हूँ मैं कितना और बच गया अभी भी, देखो 7:53 पे भी हमारी सब्जी बन रही है, उसके बाद रोटी भी बनेगा। ओ देख इसमें खदका लग गया रे। तो भाई बन गया अपना रोटी, और रोटी भी दो जगह बनाया, क्योंकि इस पे ना भाई आँच नहीं लग रही थी, क्योंकि ये लकड़ियाँ अभी तक गिली हुई है, तो कुछ गैस पे सेकी, कुछ ये चूल्हे पे, जो चूल्हे पे सेकी ना उनका अलग ही थोड़ा रंग हो गया देखो ये। और ये जो वाइट वाइट है ये हमने गैस पे सेकी, और इधर में जो हमारी सब्जी ठंडी हो गई उसको दोबारा गर्म करके अभी भाई अपना खाना पीना ये बन चुका है। अभी देखते हैं कितने बजे इसको फाइनल किया हमने बना के, 8:51 दो घंटे में सब्जी भी बना रोटी बना। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत किया है, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना भाई एक दो वीडियो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम।